हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू मै न्यू एंड अनदर वीडियो। तो आज ना हम जा रहे हैं फिशिंग के लिए, स्पेशली ऐसी फिश जो किंग फिश या इस्वन के नाम से जानी जाती है। अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से हम फिशिंग करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चले दोस्तों, चलते हैं। कंटिन्यूस 1.5 आवर रन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जगह पे जहाँ पे हमको डालना था नेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ ही समंदर दिख रहा है। यहाँ पे हमने नेट डालना शुरू कर दिया है। अगर हम इस नेट की डिस्टेंस की बात करो तो दोस्तों ये है नेट 600 फैदम लॉन्ग नेट है, जो कि इस बोट के लिए काफ़ी है। और ये जो नेट है ये स्पेशली इस्वन यानी किंगफिश के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो नेट था हमने पूरा समंदर में डाल दिया है। और दोस्तों ये जो रोप है ना, ये रोप का एक एंड जो है नेट से बांधा हुआ है तो दूसरा एंड ना इस बोट से बांधा हुआ है, ताकि बोट और जो नेट है ना साथ में फ्लोट करे। क्योंकि समंदर में कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर डालते हैं तो वो मूव होते रहते हैं और वो एक ही जगह स्टेबल नहीं रहता। तो इसलिए ना हमारा जो बोट और नेट है जो साथ में फ्लोट करे, इसीलिए ना इसको यहाँ पे बांध के रखा है। अगर हम इसी तरह इसको छोड़ देंगे तो नेट को तो हमें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये नेट कहीं और चला जाएगा और हमारी जो बोट है ना कहीं और चली जाएगी फ्लोट होते हुए। तो इसलिए इसको बांध के रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे 522 हो चुके हैं और हमने पूरा नेट यहाँ पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे जियान जो चेक कर रहा है वाटर की डेप्थ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वाटर की डेप्थ चेक की जाती है। तो यहाँ पे जो वाटर का डेप्थ है ना वो 12 फैदम डीप वाटर है। और यहाँ पे बन रही है ब्लैक टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनसेट हो रहा है। अगर जैसे ही सनसेट हो जाएगा ना तो हम यहाँ पे बोट के ऊपर सो जाएंगे, ताकि हमको उठना है रात को, क्योंकि इसको नेट को हमको खींचना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आई थिंक हम उठेंगे 1 o'clock को या 12:45 को। मेनी आवर्स लेटर यहाँ पे बज रहे 12:54 और यहाँ पे हम उठ चुके हैं नेट खींचने के लिए। ऑलमोस्ट हमने 8 to 7 hours जो है नेट अपना समंदर के अंदर रखा है, तो अब उसको खींचने का टाइम आ चुका है। तो उसको खींचते नेट और देखते उसके अंदर मच्छी फंसी है नहीं।
तो यहाँ पे हमने आधे से ज़्यादा नेट जो है हमने खींच लिया है और पूरा नेट खाली था। और जो ये मच्छी देख सकते हैं, ये पहला फिश है जो इस नेट के अंदर मिला है, ये इस वन है यानी किंग फिश। तो आप इसको देख सकते हैं पूरा नेट के अंदर फंसा हुआ है फुल्ली, इसको चुकाना पड़ेगा। तो जितना भी हमने नेट खींचा ना, उसमें सिर्फ आपको एक ही इस वन मिला हुआ है। तो कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी एक एक मिलता है, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता, और कभी कभी ना नेट खींचते तो बहुत मच्छी मिलती है। लेकिन आज हमें सिर्फ एक ही इस वन मिला और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो नेट है ना वो हमने पूरा खींच के हो चुका है, देख सकते यहाँ पे हो गया लास्ट नेट। यहाँ पे बज रहे 2 hours 19 minutes और हमें ये जो नेट खींचने के लिए टाइम लगा है ना, ये 1 hour 20 minutes हमको इस नेट खींचने के लिए लगा। और जो हमें इस नेट के अंदर जो मिला है ना, सिर्फ एक ही इस वन मिला है। लेकिन आपको पता चल ही गया होगा कि हम फिशिंग किस तरह से करते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और मिलते दोस्तों एक नए वीडियो के अंदर।